ओके तो आज हम लोग मिथ को करने वाले हैं ट्राई, जो कि आप लोगों ने कमेंट करके बताई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि एयरपोर्ट वाली बिल्डिंग का ग्लिच अपने न्यू हाउस के राइट साइड वाली दीवार में। ओके, एयरपोर्ट वाला ग्लिच तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो टेंशन ना लो, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। ये बाबूराव का स्टाइल है। और जो हमारे न्यू हाउस के साइड राइट साइड में जो ग्लिच बताए हैं वही वाला हम लोग ट्राई करके देखेंगे। ओके, तो जिस प्रकार से मैंने अपनी गाड़ी को सेट करके यहाँ पर लगा है आप लोगों को बिल्कुल वैसा अच्छा ही करना है। तो हम लोग आ जाएंगे न्यू हाउस के अंदर, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं रहेंगे, न्यू हाउस के नीचे रहेंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोग गेम में ट्राई जरूर से करना, लेकिन अभी नहीं, वीडियो के बाद में करना। ओके, तो जाकर देखते हैं। और ये क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पर तो हम लोग को फंसा दिया भाई, यहाँ पर बेकार में आ गए यार। टेंशन मतलब यहाँ से निकलने का तरीका मुझे नहीं पता यार। मुझे पता है, रुको मैं बताता हूँ। चुप हो जा भाई, मैं ही बताता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ से निकलने के लिए आप लोगों को गेम को ही बैक करना पड़ेगा भाई। अच्छा। ओके, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो सेकंड मिट की तरफ बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो कार के नीचे व्हाइट कलर का कुछ लगा है, तो थोड़ा सा हमने स्कॉर्पियो को टक्कर मार के उल्टा किया तो यहाँ पर तो व्हाइट कलर का कुछ दिख तो रहा है, लेकिन ये क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन एक सेकंड, कहीं ये बाहर तो नहीं निकलता, यहाँ पर फायर करके देख लेते हैं। ओह नो, ये तो बाहर ही नहीं निकला, कोई बात नहीं, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो हमारा थर्ड मिथ ये है कि अगर आप जेट पैक और साइकिल में दोनों में एक साथ में बैठेंगे और स्टेशन के बाजू में जो पानी है वहां पर एग्जिट करेंगे तो अंडरग्राउंड ब्रिज लग जाएगा। ओके, दोनों को स्पॉन कर लिया है और दोनों में हम लोग एक साथ में बैठ भी चुके हैं गाइस, और पानी में हमारा कैरेक्टर आ भी चुका है। और जैसे यहाँ पर आने के बाद उतरे तो कुछ भी मैजिक तो नहीं हुआ यार। और अब बाहर निकल के देखते हैं। और ये भाई, ओ ये देखो भाई साहब, हम लोग चले गए जमीन के अंदर। भाई हमारा गेम का मैप डूब गया क्या भाई, पूरा पानी पानी हो गया। अरे कुछ नहीं डूबा है भाई, सिर्फ ग्लिच लग गया है। और बाहर से ये थोड़ा अजीब तो दिखता है, लेकिन कार के अंदर के पार्ट भी हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब नीचे वाले। और हमारा जो जेट पैक है वो तो जुरासिक पार्क में भी चला गया। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारे जो एनपीसी होते हैं वो हवा में चल रहे हैं। और रास्ता देखो भाई, ये रास्ते की एक पट्टी दिख रही है, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो हमारा नेक्स्ट मिथ है कि भाई अगर आप हेलमेट पे एक चिकी बम लगा के उसको ब्लास्ट करोगे, हमारा हेलमेट दूर जाएगा लेकिन वापस वही आएगा। ओके, तो हमारा हेलमेट पहन ही लिया है हमारे कैरेक्टर ने, और उतरने के बाद यहाँ पर अभी स्टिकी बम भी लगाएंगे हम लोग। एक स्टिकी बम लगाना था और एक लगा भी दिया है, अभी ब्लास्ट करेंगे हम लोग इसको, और अभी ब्लास्ट करने ही वाले है। और ये हमारा उछला भाई, हमारा हेलमेट जो है ऊपर चला गया और वापस वही आ गया भाई साहब। काम करते है, एक नहीं एक से ज्यादा स्टिकी बम लगा के देखते है। बहुत सारे स्टिकी बम लग चुके हैं और अभी ब्लास्ट किया तो हमारा हेलमेट तो गायब हो गया भाई, ये तो नीचे ही नहीं आया, पता नहीं कितनी ऊपर चला गया होगा। ओके, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। कि अगर आप नाइट मोड करोगे और किसी भी गन से फायर करते करते साइकिल पे बैठेंगे और गन वाला ऑप्शन और लाइट वाला ऑप्शन साथ में दबाएंगे तो हमारी लाइट येलो कलर की हो जाएगी। ओके, तो मिट को ट्राई करने के लिए हम लोग को सबसे पहले नाइट मोड लगाना पड़ेगा और उसके बाद भी हम लोग साइकिल को स्पॉन करेंगे, जिसका चीट कोड नंबर 111 डायल करना पड़ेगा, वो भी 4 times। और अभी गन को निकालने के बाद हम लोग को फायर करते करते साइकिल के अंदर बैठ जाना है, और साइकिल के अंदर बैठने के बाद लाइट वाले ऑप्शन और गन वाले ऑप्शन पर दोनों में एक साथ में क्लिक करना है। तो देखो भाई हमारा मैजिक, हमारी जो लाइट होती है साइकिल की वो हो चुकी है येलो कलर की और काफी ज्यादा ओसम भी लग रही है भाई। ओके, तो ये भी हमारा कंफर्म्ड है। तो अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जोर से सेट कर देना। और गाइस अगर आप लोग कोई मिथ भी पता है तो आप लोग कमेंट भी कर देना। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।